हेलो, कैसे हो आप सब। तो चलिए कंसाइनमेंट आगे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते रहते हैं। अभी तक हमने कंसाइनमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने कंसाइनमेंट के अंदर जो डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी एबनॉर्मल लॉस है या फिर जो भी अनसोल्ड स्टॉक है, और जो कंसाइनमेंट अकाउंट है और जो कंसाइनिंग अकाउंट है होता है, वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। चलिए इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। तो इस वजह से राजस्थान बोर्ड के अंदर जब 2010 और 2011 के अंदर जब कंसाइनमेंट अकाउंट था, तभी भी 8 मार्क्स का कंसाइनमेंट अकाउंट था। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट आपके 8 मार्क्स का आ रहा है, वो उसकी किस तरह से उसका फॉर्मेट रहेगा, जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट 8 मार्क्स का है, उसका 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। 8 मार्क्स के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 1 मार्क्स का थ्योरी, एक आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क्स के, एक रिलेटेड होगा कंसाइनर से और एक रिलेटेड होगा कंसाइनी से, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 मार्क्स हो गए। जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर मैंने जो 2010 और 11 का जो पेपर है वो आपके लिए यहाँ पर मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आइएगा हम क्वेश्चन करते हैं। जो 2010 के अंदर जो क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, उससे रिलेटेड, सॉरी, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा, अपने को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। मुकेश कंसाइंड 50 बॉल्स ऑफ द कॉटन टू द सीमा एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 रुपीज पर बेल 1000 रुपीज पर बेल। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेज वर रुपीज 5000 पर, 5 बेल्स वर स्टोलन इन द ट्रांजिट। देखिएगा, ये लॉस कौन से में हो गया है, ट्रांजिट में हो गया है। हमने एक नोट भी लिखा था कि अगर लॉस ट्रांजिट में होता है तो उसके अंदर हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करेंगे। द इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है एक क्लेम 4000 रुपीज का। ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम 4000 रुपीज का एक्सेप्ट किया है, इससे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लिखी जाने वाली एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो एबनॉर्मल लॉस हुआ था। इस एबनॉर्मल लॉस तो 5 बेल्स का हुआ था, इसमें से 4000 रुपये रिसीव हो गए। तो हमको नेट लॉस पता चल जाएगा कि हमारा नेट लॉस कितना होगा, वो नेट लॉस पीएनएल में जाएगा। अभी हम इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। सीमा रिसीव्ड द रिमेनिंग बेल्स एंड पेड रुपीज 800 फॉर द कार्ट हायर। अब सीमा ने जो कार्ट हायर किए, मतलब कि जो एक गाड़ी भाड़ा किराए पर लिया था, उसके लिए उसने 800 रुपये दिए हैं। हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, फिर भी हम इसको ऐड नहीं करेंगे एबनॉर्मल की कैलकुलेशन के अंदर। क्यों ऐड नहीं करेंगे, रीजन इसके पीछे यह है ऐड नहीं करने का, क्योंकि यह जो लॉस हो रखा है वो किस में हो रखा है, ट्रांजिट में हो रखा है। और ट्रांजिट में अगर कोई भी लॉस होता है तो हम उसके अंदर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उस एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स है वो अभी कंसाइनिंग के पास पहुंची नहीं है, वो तो रास्ते में ही लॉस हो गई है। इस वजह से कंसाइनिंग ने उनके ऊपर खर्चा नहीं किया है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट क्या है, और अमाउंट चार्जेबल टू पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट के अंदर किस तरह, किस कौन सी अमाउंट चार्जेबल होगी। चलिए जी, हम इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये भी आपको दिख रहा होगा। मुकेश ने, चलिए मैं आपके लिए, मुकेश ने 50 बेल ऑफ कॉटन सीमा को भेजी है। तो हमको यहाँ पर कितनी लॉस हो चुकी है, 5 बेल्स लॉस हो चुकी है। फटाफट से
कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करते हैं। सबसे पहले 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 1000 रुपये, तो कितना आ गया 5000 रुपये। इसके अलावा ऐड करेंगे इसमें एक्सपेंसेस, आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी है और साथ साथ में हो तो आप इजीली मेरे साथ में भी इसको कर सकते हो। एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस पे किए हैं इन रेशियो, रेशियो के अंदर देना है, प्रोपोर्शनेट में हमको देना है। 5000 खर्चा किया है 1000 यूनिट पर, तो 1 यूनिट पर 5 रुपये का खर्चा, तो सर 5 यूनिट पर कितना होगा, 1 यूनिट पर 5 रुपये का खर्चा है तो 5 यूनिट पर कितने का होगा, 25 रुपीज का। टोटल मिलाकर लॉस हुआ है 5025 का। कंसाइनी के जो खर्चे हैं उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये हमको एबनॉर्मल लॉस हुआ है। यह जो एबनॉर्मल लॉस है वो ट्रांसफर होता है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो देखिएगा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जनरल एंट्री नहीं कराते, तो जनरल एंट्री देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया होगा, याद करो, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पर हमने कितना लिखा था, एबनॉर्मल लॉस लिखा था, उसमें अमाउंट आएगी 5025। तो इसी से आप जनरल एंट्री बना लीजिएगा। क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर लिखा हुआ है बाय एबनॉर्मल लॉस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखा, तो कंसाइनमेंट तो होगा क्रेडिट और ये एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री बन जाएगी कितने से, 5025 से। ये कहता है कि पीएनएल के अंदर, को पहला जो क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो कितना था 5025, अब पीएनएल में कितना जाएगा, पीएनएल में कितना जाएगा, एबनॉर्मल लॉस में से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 4000 रुपये का, कितना बैलेंस बच गया है, 1025 रुपये का बैलेंस बच चुका है, ये पीएनएल में जाएगा। इसके लिए मैं जनरल एंट्री आपको बता रहा हूँ, जनरल एंट्री इसके लिए क्या होगी, देखिएगा जो एबनॉर्मल लॉस है क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, उसको तो आप क्रेडिट कर दीजिएगा टू एबनॉर्मल लॉस। सर इस एबनॉर्मल लॉस 5025 में से इंश्योरेंस कंपनी हमारी कितने रुपए से डेटर बन चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि सर हम 4000 रुपये देंगे, मतलब कि वो 4000 से हमारी डेटर बन चुकी है, तो डेटर है तो डेबिट हो गई, और बाकी वाले रुपए हमारे डूब गए, 5025 का नुकसान हुआ, 4000 रुपये हमको मिल गए, तो बाकी कितने रुपए डूब गए, कितने का लॉस हो गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट जितने का भी लॉस हो गया वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा 1025 का। तो सेकंड जो क्वेश्चन है कि अमाउंट चार्जेबल टू द पीएनएल अकाउंट, तो अमाउंट जो चार्जेबल है पीएनएल अकाउंट से वो कितनी है, 1025। अब यहाँ पर अगर आपको ये इलस्ट्रेशन, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड का जो क्वेश्चन, अगर वो आपको समझ में आया है तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर, जिस बुक से अभी हम कर रहे हैं उसी बुक का मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। हम अभी जो जितने भी इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सब के सब इलस्ट्रेशन हम राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी की जो बुक है, गवर्नमेंट बुक, उससे कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। चलिए जी हम देखते हैं कि हम और कौन सा क्वेश्चन कर पाते हैं, हम लगभग जो कंसाइनर से रिलेटेड है वो सभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये आया था 2011 के अंदर, 2011 के अंदर राजस्थान बोर्ड के अंदर। क्या क्वेश्चन है, योगेश ऑफ मुंबई कंसाइंड 10 सेट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसकी कॉस्टिंग थी 18000 रुपये,
ईच सेट मतलब कि 10 कंप्यूटर भेजे हैं, एक कंप्यूटर की कॉस्ट 18,000 रुपये एट ए इनवॉइस प्राइस ऑफ 20,000। इनवॉइस प्राइस हमने पता की थी कि इनवॉइस प्राइस क्या होती है, अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है दैट्स कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। मतलब कि ये कहता है कि देख भाई मेरी कॉस्ट तो 18,000 रुपये है लेकिन तेरे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट एड करके 20,000 रुपये के अंदर बेचना है। योगेश ने इनकर किए हैं कैरिज एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेज जो 20,000, ये जो भी खर्चे करता है इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कंसाइनर के कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। टू सेट्स स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन ऑफ द रजनी, दो जो है सेट्स हैं वो रजनी के गोडाउन से क्या हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। रजनी सोल्ड 8 कंप्यूटर्स 8 रुपीज 22,000। रजनी ने 8 कंप्यूटर 22,000 रुपये के अंदर क्या कर दिए हैं, सेल कर दी है पर कंप्यूटर की रेट पर कंप्यूटर से, एंड चार्ज्ड 500 पर कंप्यूटर कमीशन ऑन सेल। अब यहाँ पर देखिए कमीशन कैसे आता है, एक कंप्यूटर पर 500 रुपये का कमीशन इसको मिलेगा। योगेश रिसीव्ड ₹30,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। योगेश ने कितने रुपए का, योगेश को कितने रुपए का क्लेम रिसीव हो चुका है, योगेश को रिसीव हो चुका है ₹30,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट बाय द कॉस्ट प्राइस। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो कॉस्ट प्राइस पे भी बनता है और इन्वॉइस प्राइस पे भी बनता है, अभी हमने कॉस्ट प्राइस पे ही सीखा है। इन द बुक्स ऑफ द योगेश, योगेश की किताबों के अंदर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि आपके 2011 के अंदर 3 मार्क्स के लिए आया था, इसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। योगेश ऑफ मुंबई कंसाइन 10 सेट्स ऑफ द कंप्यूटर सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पर कितना गुड्स भेजा है, कॉस्ट पे बनाना है। 18,000 रुपये एक की प्राइस है, तो 18,000 रुपये एक की प्राइस है, के का मतलब होता है 1,000, 18,000 रुपये एक की प्राइस है, 10 की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1,80,000 रुपये। इसके अलावा उसने उसने योगेश ने खर्चे किए हैं 20,000 रुपये के, तो 2 K आ जाएगा। एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर कभी भी कुछ खर्चे करता है तो वहां पर 2 K आ जाता है, कंसाइनर ने खर्चे किए हैं 20,000 के। इसके अलावा योगेश ने इनकर्ड किए 20,000 रुपये, टू सेट्स वर स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन ऑफ द रजनी। रजनी के मतलब कंसाइनी के गोडाउन से 2 सेट चोरी हो गए, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के अंदर कंसाइनी के भी खर्चों को जोड़ दिया जाएगा। कंसाइनी ने कितने कंप्यूटर बेच दिए हैं, बाई कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है रजनी, तो बाई रजनी, रजनी ने कितने बेच दिए हैं, बाई रजनी, रजनी ने सेल कर दिए हैं आपके लिए 8 कंप्यूटर 22,000 रुपये के अंदर। 8 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर बेचा है इसने, एक कंप्यूटर बेचा है इसने 22,000 रुपये का, तो 8 कंप्यूटर कितने के होंगे, ये होंगे आपके लिए 1,76,000 रुपीज के। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टू रजनी, रजनी का जो कमीशन है उसकी बात करते हैं। 500 रुपये पर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर 500 रुपये हैं, तो 8 कंप्यूटर बेचे हैं तो 8 × 500, तो यह कमीशन पाएगा 4,000 रुपीज का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, योगेश ने कमीशन रिसीव कर लिया है, योगेश ने कमीशन रिसीव कर लिया है 30,000 रुपये का। ये 30,000 रुपये का अभी हमने जस्ट इसके पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कमीशन रिसीव करता है इससे केवल और केवल पीएनएल अकाउंट पर फर्क पड़ता है, कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमीशन जो भी ये रिसीव करता है। इसके अलावा कहता है कि
प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब हमको दो चीजों की कैलकुलेशन करनी है। एक तो कैलकुलेशन करनी है एबनॉर्मल लॉस की, और एक कैलकुलेशन करनी है हमको, एक कैलकुलेशन करनी है हमको क्लोजिंग स्टॉक की। क्या हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन यहीं पर ही कर सकते हैं क्या? तो देखिएगा हम, हाँ, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन यहीं पर इनर कॉलम के अंदर ही करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको वर्किंग नोट अलग से ना बनाना पड़े और हमारे एग्जाम के अंदर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा टाइम हुआ है वो सेव हो सके। एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2 सेट्स का। तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, एक सेट की कॉस्ट थी 10,000 रुपये, एक सेट की कॉस्ट थी 18,000 रुपये, तो ये आ गया आपके लिए 36,000 रुपये। इसमें ऐड करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, 20,000 हुए थे 10 कंप्यूटर पर, 2 कंप्यूटर पर कितने होंगे? 20,000 हुए थे 10 कंप्यूटर पर, तो एक कंप्यूटर पर 2,000, तो 2 कंप्यूटर पर कितने होंगे? 4,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कंसाइनी ने कोई भी खर्चा नहीं किया है। तो कंसाइनी ने जब कोई खर्चा ही नहीं किया तो वो एड भी होने से रहे, तो 36 प्लस 4 कितने रुपए आ गए आपके यहाँ पर? 40,000 रुपये का यहाँ पर आपको एबनॉर्मल लॉस आ गया। बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो देखिएगा 10 कंप्यूटर थे, 10 कंप्यूटर भेजे थे, 8 उसने बेच दिए, 2 का क्या हो गया? 2 का आपके एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, इधर की कैलकुलेशन करेंगे। इधर की जब हमने टोटल की है तो इधर की टोटल करने पर आया है हमारा 1,76,000 प्लस 40,000 होते हैं 2,16,000। तो इधर की भी टोटल कितनी आनी चाहिए? 2,16,000। लेकिन इधर की जो टोटल आई है, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पीएनएल आ जाएगा, और ये पीएनएल क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर से। सर इधर की टोटल होनी चाहिए थी 2,16,000, लेकिन इधर की टोटल है 1,80,000 प्लस 20,000, 2 लाख प्लस 4,000, 2,04,000 होनी चाहिए थी, 2,16,000। तो कितने रुपए का फायदा हो गया आपको? 12,000 रुपए का आपको फायदा हो चुका है। आई होप आपको यह इलस्ट्रेशन भी समझ में आया होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बन चुका है यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए। चलिए एक और कंसाइनमेंट अकाउंट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो कि 2010 में आया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2010 में आया है आरबीएससी के अंदर 3 मार्क्स के लिए। सीता परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ ऑफ 2,04,02 लेख। अब देखिएगा 10,000 मीटर, 10,000 मीटर इसने 2 लाख में परचेज किया है। तो 10,000 मीटर जब 2 लाख में परचेज किया है, तो 1 मीटर कितने का है? 1 मीटर है 20 रुपए का। कैसे? 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 कितना आएगा? 20 रुपया। विच द 5,000 मीटर ऑफ द क्लोथ सेंट ऑन द कंसाइनमेंट टू राम। अब देखिएगा जितना कंसाइनमेंट पर भेजता है हमको तो केवल और केवल उसी से ही मतलब है। कंसाइनमेंट पर कितने भी भेजा है, एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 30, हमको तो हम तो किस पे बना लेंगे? कॉस्ट पे ही बना लेंगे। तो हमको इस इनवॉइस प्राइस से मतलब नहीं है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब तक आपको नहीं कहा जाए कि आपको इनवॉइस प्राइस पे ही बनाना है, तब तक आप कॉस्ट पे आराम से बना सकते हैं। तो हम इस कंसाइनमेंट अकाउंट को कॉस्ट पे ही बनाएंगे। द कंसाइनर पेड ₹5,000 फॉर द फ्राइट एंड 500 फॉर द पैकिंग एक्सपेंसेज। राम ने 5,000 में से 4,000 मीटर बेच दिया 40 रुपए के अंदर, और 2,000 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे। राम को एंटाइटल है 5% कमीशन ऑन द टोटल सेल, दिस इज कॉल्ड द जनरल कमीशन, हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर रखा है। एंड 20% कमीशन ऑन द सरप्लस प्राइस ओवर द 30। इसने कहा देखो 30 रुपीज डिसाइड कर रखा है, अगर तुम 30 रुपए पर मीटर से ज्यादा पर बेचोगे तो मैं आपको 20% का और एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। इस एक्स्ट्रा कमीशन को हम क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इस एक्स्ट्रा कमीशन को हम क्या नाम से पुकारते हैं। ड्यू टू द फॉल इन द मार्केट प्राइस। अब मैंने देखो हमेशा आपको कहा है कि
आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते समय आप किस पर करोगे, कॉस्ट प्राइस गिवन होती है तो कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों गिवन होती है तो अकॉर्डिंग टू AS2 आपको दोनों में से जो भी कम वैल्यू होती है उसके ऊपर करना होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज रिड्यूस बाय द 10%, जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से कम हो चुकी है, 10% से मार्केट प्राइस कम हो चुकी है। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सीता, हम इसको देखिएगा डायरेक्ट, इस कंसाइनमेंट अकाउंट को यहीं पर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2010 में आ चुका है। इन द बुक्स ऑफ आई होप आपको उस नजर आए, और ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इन दी बुक्स ऑफ सीता, जो कि आपके लिए क्या है, कंसाइनर है। फटाफट से 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम के अंदर ज्यादा टाइम भी इसके अंदर नहीं दे सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर कितना गुड्स भेजा है हमने? सर हमने कंसाइनमेंट के ऊपर खरीदा था तो हमने 10,000 मीटर था, लेकिन केवल और केवल 5,000 मीटर ही भेजा है। 1 मीटर है 20 रुपये का, तो 5,000 मीटर होगा हमारे लिए 1 लाख रुपये का। कितने का होगा? 1 लाख रुपये का। इसके बाद में ये कहता है कि इन्वॉइस प्राइस थी द कंसाइनर के जो खर्चे हैं, कंसाइनर के खर्चों के लिए आप क्या लिखोगे? टू केस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के खर्चे कितने हो गए हैं? 500 रुपये, तो 5,000 रुपये तो फ्राइट के, 500 रुपये पैकिंग के, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हैं? 5,500 रुपये। इसके अलावा ये कहता है, इसके अलावा ये कहता है कि राम ने 4,000 मीटर सोल्ड कर दिया है 40 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो भाई राम किसके लिए आया है यहाँ पर? सेल्स के लिए आया है। राम ने कितना सेल कर दिया है? राम ने 4,000 मीटर सेल कर दिया है। 1 मीटर किया है इसने 30 रुपये का कहा था, 40 रुपये के हिसाब से इसने सेल कर दिया है। 1 मीटर हमने 30 रुपये के हिसाब से कहा था, लेकिन इसने सेल कितने हिसाब से कर दिया है? 40 रुपये के हिसाब से इसने सेल कर दिया है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 40, जब 4,000 मल्टीप्लाई बाई 40 होगा कितना आ जाएगा? 1,60,000 रुपये के अंदर इसने कर दिया है। अब यहाँ पर इसको कमीशन भी देना है 5%, तो 5% तो जनरल कमीशन और 20% एडिशनल कमीशन देना है, जो भी 30 रुपये ज्यादा प्राइस होती है, मतलब 10 रुपये के ऊपर। और इसके अलावा इसको जो रिमेनिंग गुड्स की जो वैल्यू है वो भी कम होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई अनसोल्ड स्टॉक और टू राम, राम का कमीशन, और दोनों की हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। आपको कैलकुलेशन सिखा रखी है मैंने, चलिएगा इसकी कैलकुलेशन यहीं पर कर लेते हैं। सबसे पहले कमीशन, जनरल कमीशन तो कितना है? जनरल कमीशन तो पूरी जो टोटल सेल है 1,60,000, इसके ऊपर है 5%। तो अगर हम बात करते हैं 1,60,000 का 5%, तो ये आएगा 8,000 रुपये का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, आपका जो आंसर था वो क्या था? ओवरराइडिंग कमीशन, जो भी प्राइस डिसाइड कर रखी होती है उससे अगर ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल किया जाता है तो जो कमीशन रिसीव होता है दैट्स कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। उस कमीशन को हम ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। यह 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 30 रुपये में कहा था 40 रुपये में बेच दी, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेची है 1 यूनिट, तो 4,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 40,000 में बिकेगी। तो 40,000 का कितना परसेंट कहा है इन्होंने? 20%। तो 40,000 का अगर हम बात करते हैं 20%, तो यह आएगा अगेन 8,000 रुपये। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? टोटल कमीशन हो गया 16,000 रुपये। टोटल कमीशन कितना हो चुका है? 16,000 हो चुका है। बात करते हैं जो भी इनके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, हमने इनको 5,000 बेचा था, भेजा था 4,000 बेच दिया, तो 1,000 बाकी है। अब देखो 1,000 के अंदर क्या हुआ है,
अगर हजार की अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, तो सर कॉस्ट प्राइस तो थी, कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पर कौन सी प्राइस लेनी है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो क्या थी 20, मार्केट प्राइस कह रहा है 10% कम हो गई, तो 20 में 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा 18 रुपये। तो अब आप किसको कंसिडर करोगे, मार्केट प्राइस के ऊपर कंसिडर करोगे, आई बात समझ में। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 18, क्योंकि दोनों में से जो भी कम है उसके ऊपर कंसिडर करेंगे, पहले डिस्कस किया जा चुका है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो जाएगा 18000 रुपये। इसमें प्लस किया जाएगा कंसाइनर के एक्सपेंसेस इन रेशियो, कंसाइनी के एक्सपेंसेस इसमें ऐड नहीं होंगे, क्यों ऐड नहीं होंगे कंसाइनी के एक्सपेंसेस, क्योंकि कंसाइनी ने कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में, अच्छा, कंसाइनी ने भी 2000 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस किए हैं, है ना। तो यहाँ पर टू राम एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी 2000 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस किसने किए हैं, राम ने भी किए हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस अगेन कौन से एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम भी इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा रैपिडली चल रहा है क्योंकि यह केवल और केवल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं और पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी मैं आपको। तो कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस थे वो थे 5500 कितने के ऊपर थे, 5000 के ऊपर थे। तो हम बात करते हैं 1000 पर कितना आएगा, 5500 थे, 5500 के जो एक्सपेंसेज, देखिएगा 5500 के एक्सपेंसेज होंगे तो एक पे आएगा 11 रुपये, तो कितना जाएगा, अगर बात करते हैं एक के ऊपर, तो एक के ऊपर आ रहा है, एक पर आ रहा है 2 जीरो 2 जीरो गए, ये गए तो ये आया है 11 रुपीज, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो, तो 1100 रुपये। टोटल कितना गया है, 18000 प्लस 1100, ये हो गया आपके 0018191900। तो यहाँ पर आपके बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम आपके बात करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो वो कितना हो जाएगा 1900 का, 1910 का। अब क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया, सब चीजें लिख दी, क्या करें अब हम, इधर की कैलकुलेशन कीजिएगा, इधर की कैलकुलेशन कीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा, टू पी एंड एल, पी टू पी एंड एल किसको बताता है, प्रॉफिट को जो कंसाइनमेंट पर हुआ है, यह एज ए बैलेंसिंग फिगर आएगा। टोटल करते हैं 1,60,000 प्लस 19,100 की जब आप टोटल करोगे तो ये आपके लिए आएगा 179100, इधर की भी टोटल 179100 आनी चाहिए, लेकिन इधर की टोटल आ रही है 1,55,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000, इधर की एक आ रही है 1,23,500, उसमें से 1,79,100 लेस करेंगे तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा आपके लिए 55,600 रुपये का। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, 55,600 रुपये का। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का, इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन जो टिपिकल की है वो किस किस की की है, कमीशन और क्लोजिंग स्टॉक की। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले लेवल पर जाने के लिए अगले वीडियो के।